हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। और मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं आप सबका अपने चैनल पे। तो जो चैनल में न्यू है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन जरूर हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे दीपिका कक्कड़ के बारे में। सो दोस्तों, देख के बहुत खुशी हुई कि जो दीपिका कक्कड़ के हैं वो फैन फॉलोइंग बहुत ही अच्छी है। इतनी अच्छी वो फैन फॉलोइंग है कि वो फैन फॉलोइंग आके अगर उनके बारे में कुछ भी बात करो तो आके सीधा बस ट्रॉलिंग करनी शुरू कर देती है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बात कही थी कि हम लोग किसी भी चीज की डिक्लेरेशन नहीं देते। हम लोग वही बात करते हैं जो करंटली चल रही होती है अराउंडिंग्स में। तो खैर, इस चीज पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि अगर इस बात पे हम चलने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम सीधा मुद्दे पे आते। सो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आप सबको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि वो लोग सेलिब्रिटीज हैं। कैमरे के साथ खेलना, कैमरे के सबको कैसे फेस करना है, ये हर एक सेलिब्रिटी को बहुत अच्छे से आता है। और रही बात कंट्रोवर्सी की, रही बात कि उनके जो अगेंस्ट में है वो वीडियो बनती है, तो वो वीडियो इसीलिए बनती है क्योंकि ये लोग वीडियो बनवाना चाहते हैं। अगर ये लोग वीडियो बनवाना नहीं चाहते होते तो इतने दिन तक ये लोग वेट क्यों करते। जैसे आप लोगों ने किसी की भी एक वीडियो उनके अगेंस्ट देख ली तो आप लोग आ गए अपने फैन को, जिनके आप फैंस हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या ये वीडियो सेलिब्रिटीज तक नहीं पहुंचती है? बिल्कुल पहुंचती है, लेकिन वो लोग इस चीज पे बात इसीलिए नहीं करते क्योंकि उन लोगों को खुद भी ट्रेंड पे आना होता है। चाहे नेगेटिव वीडियोज बने चाहे पॉजिटिव वीडियोज बने, ट्रेंड में लाने के लिए नाम ही काफी होता है। भले ही वो नाम जो है वो किसी पॉजिटिविटी के साथ अटैच हो या किसी नेगेटिविटी के साथ अटैच हो। 5-6 दिन के बाद आके इन लोगों ने चीजें क्लियर करी, तो क्या ये चीजें ये पहले क्लियर नहीं कर सकते थे? सबके पास बने बनाए व्लॉग्स पड़े हुए थे, रेडी व्लॉग्स पड़े हुए थे, जिनके पास अच्छी खासी टीम है काम करने के लिए, एडिट करने के लिए। क्या वो ये चीज को पहले पोस्ट करके अपडेट नहीं कर सकते थे? लेकिन इन्होंने नहीं किया अपडेट, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी तो इन्हें भी चाहिए होती है। ट्रेंडिंग पे ये लोग कैसे आएंगे जब इनके बारे में बात नहीं होगी? तो आप लोग इतना पर्सनल होके ना किसी भी चीज को इतनी ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए कि आप उन्हीं लोगों के लिए जिनको आप जानते ही नहीं, जिनसे आप कभी मिले नहीं, किसी दूसरे बंदे को गाली गलौज कर रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं कि क्यों इन लोगों पे इतने डाउट्स किए गए, क्योंकि इन लोगों ने डाउट्स करवाए। अब बात करते हैं दीपिका कक्कड़ की प्रेगनेंसी की। तो एक बात मुझे बताइए, पहले तो इन लोगों ने उसकी प्रेगनेंसी जो है वो डिक्लेयर ही नहीं करी थी, और उस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में मैडम जी ने अपनी ननद की पूरी शादी जो है वो अकेले ऑर्गेनाइज करी थी। इतना ज्यादा ट्रेवल किया था। अब आप ये बोलेंगे कि तो क्या हुआ, मैं भी प्रेग्नेंट हुई थी, मैंने भी 9 मंथ्स तक बहुत काम किया था, मेरा भी ये था मेरा भी। लेकिन हर किसी का मेडिकल कंडीशन डिफरेंट होती है। आपकी मेडिकल कंडीशन डिफरेंट होगी, लेकिन जो मेडिकल कंडीशन दीपिका की हमारे आगे दिखाई गई, उस मेडिकल कंडीशन को हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। जिस लेडी का ऑलरेडी 1-2 बार मिसकैरेजेस हो चुके हैं, जो पिछले इतने साल से प्रेगनेंसी का ट्राई कर रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है, और तो और जो लेडी पीसीओडी की भी पेशेंट है, उसके लिए प्रेगनेंसी एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो जब भी वो लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, तो उस प्रेगनेंसी को हाई रिस्क ही बोला जाता है। साथ ही साथ उसको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फूड पॉइजन हुई है। कैसे वो फूड पॉइजनिंग हो गई, आप खुद बताइए ना। इतनी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में भी ये जो महिला है, ये जो आपकी फैन है, ये पूरी शादी ऑर्गेनाइज करी। लेकिन जब लोगों को इनके थोड़े से मूवमेंट, इनकी थोड़ी सी डिजीनेस, तबियत की वजह से शक होने लगा, तो लोगों ने ट्रॉल करना शुरू कर दिया। उस ट्रॉलिंग को के चलते इन्होंने आके डिक्लेयर कर दिया कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूं। फिर इनकी प्रेगनेंसी जर्नी शुरू होती है। अब इनकी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी को आप खुद उठा के देख लीजिए। इनकी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में ये बंदी ने रेस्ट कब किया, कब इन्होंने रेस्ट किया, जबकि इनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी जिसमें डॉक्टर ने इनको कंप्लीट बेड रेस्ट बोला हुआ था, तो फिर इस बंदी ने रेस्ट कब किया? और तो और सारा दिन अम्मी 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 करती है। वो पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में इनकी अम्मी कहां थी? एक बार भी इनकी अम्मी इनके लिए कुछ करती हुई नजर नहीं आई, एक बार भी इनके आसपास नजर नहीं आई। और आज भी जो वीडियो इन्होंने दी है, उस वीडियो में गेस्ट अपीयरेंस की तरह जैसे बोला गया हो कि कट कॉपी पेस्ट, वही वाला सीन हुआ है।
अम्मी की एंट्री दिखाई है, उन्होंने अपना रोल प्ले करा और वो साइड से निकल ली। कुछ भी नेचुरल लग रहा था? कुछ भी नेचुरल नहीं था। जिस अम्मी का करते नहीं बनता इन लोगों से, जिस अम्मी की ये लोग रात दिन लगे रहते हैं, वो अम्मी पूरी जर्नी में दीपिका के साथ नहीं थी। क्यों दीपिका को अपनी मम्मी को बुलाना पड़ गया? वो भी पूरा का पूरा उसने अपनी मम्मी को शिफ्ट करवा दिया, अपनी मदर को उसने शिफ्ट करवा दिया बैंगलोर से मुंबई में, जबकि इनके घर में लेडीज की कमी नहीं है। इनकी फूफी फाफी खाला सब की सब तीन तीन चार चार महीने तक जो है वो मुंबई में पड़ी रहती हैं, लेकिन जब उनकी जरूरत थी तो तब उसको अपनी मदर को बुलाना पड़ा। तो आप लोग ये चीज भी तो नोटिस किया कीजिए। इसलिए लोगों को इन पर डाउट हुआ, इसीलिए लोगों को इन पर शक हुआ। कंस्ट्रक्शन के काम में सीमेंट के बोरों के आगे खड़ी है, धूल मिट्टी के आगे खड़ी है, आइकिया की चार दिन पहले शॉपिंग कर रही है, उससे पहले जियो मॉल गई है, सारा दिन मॉल्स में बाहर में, कभी इलेक्ट्रिसिटी का ये सामान लाना है कभी, या तो इन मोहतरमा को काम करने का बहुत शौक है। वो सारी चीजें इनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही करनी थी। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्होंने ये सारी चीजें कर ली, तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो झेलने पड़ेंगे। जब भी कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन एग्जॉस्ट हो जाती है ना, एग्जॉस्ट हो जाती है, वो सोचती है, बाहर से उसे फील नहीं होती है थकावट, उसे लगता है कि मैं तो कर लूंगी, मैं तो सुपर वुमेन हूं, पता नहीं मुझे क्या लोगों के आगे क्या सेट करना है अपना एक एक्सपीरियंस, लेकिन इंटरनली जो है ना वो एग्जॉस्ट होती है। कहीं ना कहीं बेबी पे उस चीज का फर्क पड़ता है, और उसी सारी एग्जॉशन का नतीजा है कि टाइम से पहले इनका वाटर बैग लीक हो गया, क्योंकि प्रेशर पड़ता है। आपको इसीलिए बेड रेस्ट बोला जाता है। आप इतने ज्यादा अनहाइजीन तरीके से रह रहे हो, धूल मिट्टी में रह रहे हो, और आपका 8 मंथ चल रहा है और आप धूल मिट्टी में रह रहे हो। 8 मंथ में आप बाहर का जंक फूड खा रहे हो। ठीक है, मैं मानती हूं कि क्रेविंग होती है, सबको होती है क्रेविंग, लेकिन क्रेविंग्स में कुछ कंट्रोल भी तो होता है अपना। ये थोड़ी कि जंक जंक जंक। कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है और जितना भी मुझे पता है, मैं उसी के आधार पे आप लोगों से डिस्कस कर रही हूं कि इसीलिए लोगों ने, पब्लिक ने इन पे डाउट किया, क्योंकि इन लोगों ने अपनी पूरी जर्नी ही इस तरीके से सबके आगे शो करी। उसके बाद इन्होंने एक व्लॉग में 6 दिन की वीडियो पूरी की पूरी डाल दी, यानी कि वो व्लॉग पूरा इनका रेडी था, तो इतना क्रिटिसिज्म झेलने से पहले ही ये वीडियो ये लोग डाल देते। लेकिन नहीं, इन लोगों को भी व्यूज बटोरने थे, कंट्रोवर्सी इन लोगों को भी चाहिए थी। पूरी डिलीवरी को एक मूवी की तरह शूट किया हुआ था, तो उसको पोस्ट करने में इनको इतना टाइम क्यों लग गया? इनको इतना टाइम इसलिए लगे क्योंकि इन लोगों ने पूरी जर्नी में डाउट्स खुद क्रिएट करे हुए थे। वैसे भी आजकल ट्रेंड में फैशन चला हुआ है फेक डिलीवरी, फेक प्रेगनेंसी का, तो इन्होंने सोचा क्यों ना उस ट्रेंड का हिस्सा हम लोग भी बन जाते हैं। इसीलिए इन्होंने पूरी 9 मंथ्स में इतना ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करके रखी, क्योंकि इन लोगों को भी अपने आप पॉपुलर होना था, ट्रेंडिंग में आना था, राइट? अब आप मुझे बताइए कि अब मैं कहां पे गलत हूं। आप लोग जो इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं, अब आप बताइए कि अगर आप इस जर्नी को देखोगे और हर पत्ते जोड़ने, एक होते हैं जो बिल्कुल ब्लाइंड फैंस होते हैं जो अच्छे के अलावा कुछ देखना ही नहीं चाहते, चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इतने पॉजिटिव हैं, लेकिन हम लोग जो जिस जगह से मैं देखती हूँ उस जगह से मुझे न्यूट्रल होकर देखना पड़ता है। किसी का फैन बनके, डाई हार्ड फैन बनके मैं चीजों को नहीं देखती हूँ। मैं जिस जगह से जिस भी वीडियो जिस भी व्लॉग को देखती हूँ, मैं न्यूट्रल होकर देखती हूँ कि एक न्यूट्रल ऑडियंस इस चीज के बारे में क्या राय बनाएगी, क्या बोलेगी। तो उसी न्यूट्रल चीजों को पकड़ के मैंने जो है वो अपना एक्सपीरियंस और लोगों के थॉट्स जो है वो यहाँ पे शेयर किए। आप लोग खुद भी जाके देख सकते हो। सबा को छींक भी आ जाती है, उसको बुखार भी हो जाता है, तो उसकी आवभगत में उसकी अम्मी जो है पूरा पूरा दिन लग जाती है, लेकिन दीपिका के साथ तो वो 9 मंथ्स में कभी भी नहीं दिखी। उनके पापा को दीपिका, जब से उनके फादर इन लॉ बीमार हुए हैं तब से दीपिका और उन्होंने अपने फादर इन लॉ की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके उनको अपने साथ रखा हुआ है, राइट? लेकिन अब जब दीपिका को जरूरत थी इनकी, तो इनके इन लॉज कहां थे? और अगर इतने ज्यादा ही सपोर्टिव है तो उसको अपनी मम्मी को शिफ्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी। जहां इन लोगों के बीच में इतना प्यार ये लोग दिखाते हैं, तो जहां पे इतना प्यार सास और बहू के बीच में होता है, वहां तो कभी मदर का इंटरफेरेंस होता ही नहीं है, मदर को जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन इसको अपनी मम्मी को शिफ्ट कराने तक की जरूरत पड़ गई। तो अब आप लोग खुद सोचिए और खुद बताइए कि ऐसा क्या रीजन हो गया कि जहां पे इतनी सारी लेडीज हर 2-3 महीने में इकट्ठा हो जाती है जिस घर में, वहां पे मम्मी को पूरा का पूरा शिफ्ट कराने की इन्हें क्या जरूरत पड़ गई। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे
जो कि मेरे को सजेस्ट लोग करते हैं, इनको देखने वाले व्यूअर्स मुझे सजेस्ट करते हैं और चाहते हैं कि मैं इन सब चीजों पे बात करूं ताकि चीजें क्लियर हों। जब हम लोग बातें करते हैं तभी जाके सेलिब्रिटीज के कान तक वो बातें पहुंचती हैं और वो लोग अपना पॉइंट क्लियर करते हैं। और क्लियर करना अच्छी बात होती है क्योंकि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में हो जहां पे आपको देखने वाले नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों लोग हैं। बहुत अच्छी बात है कि नेगेटिव लोगों को वो लोग अपनी चीजें क्लियर करके चुप करा देते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अपने आप को, जैसे आप लोग मेरे को कमेंट कर रहे हो तो अपने आप को क्लियर करने के लिए मैंने भी वीडियो बनाई ना, ऐसे ही जब किसी पे बात होती है तो क्लियर करने के लिए वीडियोस बनाने में कोई बुराई नहीं होती। आप इस चीज को इतना दिल से मत लगाएं। आप किसी के फैन हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक न्यूट्रल ऑडियंस भी होती है और उन ऑडियंस के लिए हम लोगों को ये वीडियोस बनानी पड़ती है। वो हमसे क्वेश्चन करते हैं, हमारे रेगुलर ऑडियंस है, तो उनके अगर डाउट्स कुछ होते हैं तो हम अपनी वीडियो के जरिए वो डाउट्स बनाते हैं ताकि कहीं ना कहीं इन तक वो डाउट्स पहुंचे और ये लोग उनको क्लियर करें। तो एक तरीके से तो हम तो इन सेलिब्रिटीज की हेल्प करते हैं क्योंकि डायरेक्ट तो कोई बंदा इन तक नहीं पहुंच पाता, तो हमारे थ्रू वाया वाया इन तक मैसेज जाता है ताकि ये अपने आप को क्लियर करें। तो हम इनकी हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनके लिए नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, हम लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं। हम लोगों ने बात करी तभी तो आके सभा ने क्लियर किया, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने डाउट्स करे, वीडियोस बनाई, तभी तो जाके श्वेब को वीडियो डालनी पड़ी। क्यों आप लोगों को इतने दिन तक सस्पेंस में रखा हुआ था, बच्चे की इतनी नाजुक स्थिति में भी? आप मुझे बताइए, इन लोगों ने जब से बेबी की डिलीवरी की वीडियो देख लो, किसी के भी चेहरे पे आपको टेंशन दिख रही थी? किसी के भी चेहरे पे टेंशन नहीं दिख रही थी, किसी ने बेबी की हेल्थ कंडीशन का जिक्र तक नहीं किया वहां पे। पूरी वीडियो श्वेब ने शूट करी लेकिन कहीं पे भी बेबी की हेल्थ की कंडीशन का जिक्र नहीं करा कि बेबी को एक्चुअल में क्या हुआ है। सबके सब खुशियां मना रहे थे, इतने टेंशन के माहौल में खुशियां मनाने का तो सबको टाइम ही नहीं लगता, मन ही नहीं करता, वो भी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन जब बेबी की बनी हुई थी। खैर ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, आने वाला वक्त सब कुछ डिसाइड करेगा और सब कुछ बताएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखिए। जय माता की।